आज हम मौजूद है मुंबई की कुर्ला इलाके में, कुर्ला इलाके में जहाँ पे ये सन्नाटा सा इन रोडों पे पसरा हुआ है, जहाँ के लिए यहाँ की जो आम पब्लिक है वो आया करती थी। आज यही रोड है कि जो सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के डर में ये भय का माहौल जरूर बना हुआ है कि कहीं कोरोना का जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से मुंबई में पसरता हुआ नज़र आ रहा है, आइए हम इसी का जायज़ा लेने आज हम पहुँचे कुर्ला की सब्जी मंडी में, जहाँ पर देखते हैं कि लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें वो चालू है या नहीं है, या अगर चालू है तो वो किस रेट में यहाँ पे लोगों को मिल रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस कुर्ला की सब्जी मंडी में। आइए हम चलते हैं कुर्ला की सब्जी मंडी में, और आगे का और भी कई ऐसे कस्टमर हैं जिनसे हम जानेंगे क्या उनको जो सब्जी का रेट है वो कुछ बढ़ा के मिल रहा है, क्योंकि हमें सूत्रों द्वारा पता चला है कि जो सब्जी का रेट है वो यहाँ पर आने वाले लोगों से कुछ बढ़ा के लिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं उन्हीं से क्या ले रहे हैं। ये आलू ले रहे थे, पत्ता गोभी, हाँ 20 का दे रहे हैं, 20 का किलो। सारी चीजें आपको मिल रही है? हाँ, सब्जी का भाव बढ़ाने तो क्या कम है क्या, यहाँ पे बढ़ा के दिया जा रहा है। हाँ तो फिर बढ़ेला तो है भाव सब चीज का, जो 100-150 में मिलता था 200 रुपया हो गए। ये कब से हो रहा है? ये 2 दिन से। देख रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसे सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आदेश जारी किया था कि जो भी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी कालाबाजारी इस मुंबई शहर में ना हो, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले हर गरीब तबके का लोग इस मार्केट से जो भी शॉपिंग करते हैं उनको शायद बढ़ा के, इसलिए आज हम इस मार्केट में पहुँचे के जानकारी के लिए कि वाकई इस मार्केट में लोगों को जो सब्जी का रेट है वो बढ़ा के दिया जा रहा है क्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हम लोग और कम करके बेच रहे हैं। क्या रेट बेच रहे हैं? अभी 40 रुपये किलो बेच रहे हैं, 40 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, अभी 40 है, हमने 10 रुपये कम किए। देख रहे हैं जिस तरह हमने व्यापारियों से भी बात किया, उन्होंने कहा है कि ऐसा यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है कि जिसके तहत हम कस्टमर को यहाँ पर रेट बढ़ा के दिया जा रहा है, बशर्ते यहाँ पर और 10 रुपया कम करके लोगों को वो चीज़ मुहैया कराई जा रही है। आगे हम और भी चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे क्या है उनकी तकलीफ। सेंग लिए। क्या रेट कुछ बढ़ा के दिया जा रहा है आपको? 120 आढ़ाई किलो। हाँ पहले क्या कम था? वही भाव था, कुछ बढ़ा के नहीं दिया जा रहा नहीं। आपके हिसाब से नहीं। जैसे कि देखा आपने, हमने अभी और भी जो यहाँ पर आए हुए खरीदार है उनसे भी बात किया, उन लोग का ये कहना है कि यहाँ पर ऐसा कोई रेट बढ़ा के माल को नहीं दिया जा रहा है। फिर भी हम यहाँ पर रुकेंगे और ये तफ्तीश करेंगे कि यहाँ पर वाकई लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या वो बढ़ा के दी जा रही है। लेकिन जनता कर्फ्यू जैसे ही खत्म हुआ आज धारा 144 लगा दी गई, इसलिए लगा दी गई है कि 4 या 5 आदमियों से ज़्यादा लोग जमा ना हो। लेकिन हमें सूत्रों द्वारा ये पता चला था कि कहीं ना कहीं जो लोगों के जरूरत की चीज़ें हैं उसमें कालाबाजारी हो रही है, क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ थोड़ा फर्क आया है पहले से और अभी में, क्योंकि आज हम लोग निकले हैं 2-3 दिन बाद जो भी, तो प्याज थोड़े महंगे हैं, सब्जी टमाटर थोड़े महंगे हैं, प्राइस में थोड़ा बढ़ती भी आई है और थोड़ा महंगाई हो रही है। पहले प्याज थोड़ी सस्ती भी थी पर अब आज हमारे अब्बू भी लेकर आए हैं 50-60 रुपए किलो के हिसाब से लेकर आए, तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा है कुछ चीज़ों में बढ़ती है और पहले से मतलब कई चीज़ों में सब्जी वगैरह में भी प्राइस बढ़ी हुई है। और आपको ये तो पता ही होगा कोरोना वायरस जो है बहुत बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचना है। हाँ ये मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो अपने हाथों में सैनिटाइज़र लगा के निकलिए, और घर में जाओ तो डेटॉल या हैंड वॉश कुछ भी है आपके पास आप पहले हाथ पैर धोएं अपने घरों में जाके, फिर किसी को छुए बच्चों को वगैरह को, क्योंकि बच्चों में और ज़ईफ़ों में ये ज़्यादातर तेज़ी से फैल रहा है, तो इसे बचो बस। और